दोस्तों अभी अभी खेसारी लाल यादव आरती के जुड़वे बच्चे को देखने के लिए आरती के घर पे हेलीकॉप्टर से आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह खेसारी लाल यादव का हेलीकॉप्टर आरती के गांव में खेत में उतर रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग तो जानते ही हैं, आरती को अभी जुड़वा बच्चा हुआ है और जैसे ही ये खबर खेसारी लाल यादव को पता चलता है कि आरती को जुड़वा बच्चा हुआ, तब खेसारी लाल यादव आरती के जुड़वे बच्चे को देखने के लिए हेलीकॉप्टर से आरती के गांव में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वहां पे पता चलता है कि आरती के बच्चे को देखने के लिए खेसारी लाल यादव हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तब इतना ज़्यादा भीड़ लग गया कि दोस्तों पूछिए ही मत। दोस्तों चारों तरफ से घेर लिया था, हेलीकॉप्टर को लैंड ही नहीं करने दे रहा। किसी तरह आरती के खेत में ही खेसारी लाल यादव का हेलीकॉप्टर लैंड होता है और वहां डायरेक्ट खेसारी लाल यादव आरती के बच्चे को देखने के लिए उसके घर पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही ये खबर आरती को पता चलता है कि खेसारी लाल यादव हमारे बच्चे को देखने के लिए हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तब आरती और छोटू के परिवार वाले का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही आरती के घर पे खेसारी लाल ने पहुंचा, तब आरती को जुड़वे बच्चे को जैसे ही देखा, वैसे ही के बच्चे को खेसारी लाल ने 2 लाख का तोहफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे पहुंच करके आरती से बात किए खेसारी लाल यादव और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का मौका देंगे, आप इसकी भविष्य की चिंता न करें, मैं इसको भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बनाऊं। तो दोस्तों क्या कहना चाहते हो, जिस तरह से खेसारी लाल यादव आरती के जुड़वे बच्चे को देखने के लिए अपना फिल्म शूटिंग छोड़ करके आरती के घर पे आया, इसके लिए आप लोग क्या कुछ खेसारी लाल को कहना चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।